हेलो डियर व्यूअर्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप एक सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को 75% अटेंडेंस का तो इम्पोर्टेंस पता ही होगा। आप लोगों को स्कूल की तरफ से ऐसे डराया धमकाया जाता है कि अगर आप 75% अटेंडेंस नहीं रखेंगे तो आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे या पास नहीं हो पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे देश में बहुत महामारी चल रही है कोरोना को लेकर, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे, ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे, तो वो काफी ज्यादा चिंतित हैं कि भैया हमारा जो अटेंडेंस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है उसके वजह से तो हमारा 75% अटेंडेंस नहीं होगा और सीबीएसई की तरफ से या स्कूल की तरफ से हम लोगों को फिर से प्रॉब्लम आएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके प्रॉब्लम का सलूशन निकल चुका है। आप लोग न्यूज देख ही रहे हैं, ये कल की न्यूज है 2 अक्टूबर की, और बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए जो लोग सीबीएसई स्टूडेंट हैं, चाहे वो 5 to 12 तक हों। लेकिन अगर मैं सच्चाई आप लोगों को बता दूं कि 5 से लेकर अगर आप क्लास 8 तक के स्टूडेंट हैं तो आपके 75% जो अटेंडेंस होते हैं उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि इंपॉर्टेंट क्लास 10 और 12 को दी जाती है, क्योंकि आप सबको पता है कि क्लास 10 और 12 एक बोर्ड एग्जाम होता है और बोर्ड एग्जाम में उनका सारा अटेंडेंस जाता है सेंटर पे, तो चेकिंग होती है, उस हिसाब से उन लोगों को बहुत कुछ फैसिलिटीज या बहुत कुछ सर्टिफिकेट में लिखा जाता है रिगार्डिंग उनके अटेंडेंस को लेकर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आखिर ये न्यूज़ है क्या और इसका बेनिफिट क्लास 10, 12 साथ साथ जितने भी सीबीएसई पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको कैसे मिलेगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत कुछ लिखा है, ठीक है, बहुत कुछ है, कितना आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो इसीलिए मैं शॉर्ट में इसको बता देता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन जो लोग क्लासेस नहीं कर पाए थे अनलॉक 4.0 तक, जिनको प्रॉब्लम आया था, गाइडलाइंस 5 से लेकर आप वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, पर अनलॉक 4 तक जो लोग अटेंडेंस नहीं कर पाए थे उन लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों आप 75% अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं है। 15% आप लोगों को छूट दी जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, 15% मान के चलिए कि 75% में से अगर आप लोग 2 महीना क्लास भी नहीं भी कर पाते हैं या 2 महीना या फिर 1.5 महीना क्लास नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप लोगों को छूट दी जाएगी, ठीक है। मतलब कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस में, मतलब टोटल अगर आप लोग कलेक्ट करते हैं, अगर 30 दिन अगर आप मान के चलो कि आप अटेंडेंस नहीं दे पाए हो, टोटल मिलाकर 30 दिन या फिर उससे ज्यादा, तो भी आपको 15% में कंसिडर करके अटेंडेंस का टेंशन दूर कर दिया जा रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि क्लास 10 और 12 में इसका क्या असर होगा। तो जी हाँ, क्लास 10 और 12 को भी यही सिस्टम है सेम, कि आपको 75% अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है। और एक चीज जो निकल कर आ रही है बीमारी को लेकर, अगर आपके घर पे कोई कोविड पॉजिटिव था या आपकी तबीयत खराब थी और आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए थे तो भी आपको 75% की छूट दी जाएगी। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, पहुंचाना जरूरी था, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, रात के वीडियो में मेरे दोस्तों।